राजकीय महाविद्यालय मंडी में 7 दिवसीय राष्ट्रीय शिविर का आयोजन किया गया। ये शिविर वनस्पति विज्ञान विभाग की ओर से आयोजित किया गया। शिविर के समापन अवसर पर DFO मंडी SD कश्यप ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जबकि स्थानीय महाविद्यालय के प्राचार्य राकेश शर्मा समारोह में विशेष अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। बल महाविद्यालय मंडी में 7 दिवसीय राष्ट्रीय शिविर का आयोजन किया गया। ये शिविर वनस्पति विज्ञान विभाग की ओर से आयोजित किया गया। शिविर के समापन अवसर पर DFO मंडी SK कश्यप ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जबकि स्थानीय महाविद्यालय के प्राचार्य राकेश शर्मा समारोह में विशेष अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। 7 दिवसीय शिविर में वनस्पति विज्ञान विषय पर विस्तृत चर्चा की गई। समापन समारोह में अपने संबोधन में मुख्य अतिथि DFO मंडी SK कश्यप ने कहा कि वनस्पति हमारी बहुमूल्य संपत्ति है और यदि सभी मिलजुल कर इसका ध्यान रखेंगे तो वे बहुमूल्य संपत्ति सुरक्षित रहेगी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलके 7-day नेशनल वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसका कि आज लास्ट वैलिडिटी डे है और इसमें आज मुख्य रूप से DFO कश्यप सर उपस्थित हैं। और आज 7 days के अंतर्गत हमने प्रदेश के डिफरेंट पार्ट्स जैसे कि शिकारी देवी, थुनाग, देवीदड़, पराशर और बरोट वैली का विजिट किया और वहाँ से मेडिसिनल और ऑर्नामेंटल प्लांट की कलेक्शन की, जिसमें से बहुत सारे प्लांट्स को हमने आइडेंटिफाई किया, कलेक्ट किया और बॉटनी के गार्डन, नर्सरी गार्डन में उनको प्लांट किया। हमने नर्सरी बॉटनी डिपार्टमेंट के अंतर्गत नर्सरी की शुरुआत की है, जिसमें कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोग या जनरल लोग आके नर्सरी के प्लांट खरीद सकते हैं और अभी ये शुरुआती दौर में है। आने वाले टाइम में हम इसको बहुत बड़े स्केल में एस्टेब्लिश करेंगे, ये हमारा विज़न है। इस कार्यशाला के अंतर्गत बच्चों को डॉक्टर सुचेंद्रा दत्ता, जो कि मुंबई से आई हैं, और उनके साथ प्रोफेसर किरण चक्राल ने अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस से एनलाइटन किया और हम सबको भी उनसे और ज़्यादा नॉलेज और एक्सपीरियंस मिला, जो कि हम फ्यूचर में अपने बच्चों के लिए इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा पहली बार वर्कशॉप में एजुकेशन डिपार्टमेंट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सेम प्लेटफॉर्म में साथ आए, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आज की डेट में एजुकेशन को प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से लिंक करना। और मुझे लगता है कि ये एक पहला कदम है जहाँ पे हम एजुकेशन को प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के साथ लिंक कर रहे हैं और फ्यूचर में भी हम कोशिश करेंगे कि हम दूसरे डिपार्टमेंट जैसे हॉर्टिकल्चर या और जो जितने भी IPH उनके साथ हम बच्चों को लिंकअप करें, उनको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट सिखाएं और ये उसको नर्सरी को हमारे स्टूडेंट्स आगे चलकर एज अ एंटरप्रेन्योरशिप भी ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि आजकल हर एक ऑनलाइन आप देख रहे हो कि प्लांट्स सेल किए जाते हैं, तो दिस इज़ अ वेरी गुड एक्सपोजर फॉर आवर स्टूडेंट्स।